There's something I want you to know. There is something I want to show. My love and care that lies in my heart for you. सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। मेरे हिसाब से आपके सिंगिंग हार्मनी एसेंस की बात करूं तो सबसे बेस्ट था। निर्मिती ग्रुप, आपने अपने लिए ही एक बेंचमार्क अब खड़ा कर दिया है। सब में अच्छा गाया, बट मेरी उम्मीद जो थी, क्योंकि मैं भी आपका फैन हूँ, एज अ फैन आई वांटेड मोर। सर हमने एक हारमोनी किया है हमारे तरफ से, अगर आप सुनना चाहोगे तो हम लोग। तो पहले क्यों नहीं सुना है? अब सुनाइए ऑफ कोर्स, बट लेकिन परफॉर्मेंस में नहीं हुआ ना, फिर उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ। आई मीन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बनाए थे, अगर आप सुनना चाहते। हाँ चलो प्लीज प्लीज। यही तो प्रॉब्लम है कि आप ऐसी चीज़ें आप इसके पहले कर चुके हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है कि पता नहीं अभी गाने को कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे, तो वो उम्मीद तो है आपसे मुझसे। वेरी नाइस। सोनू जी, पहले तो मैं बता दूं कि वो जो उन्होंने जो गा के सुनाया आपको एंड में हारमोनी, वो मैंने कटवा दिया था। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए कुछ कहा नहीं मैंने। तो अगर वो नहीं था और आप लोगों को पसंद आया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ये लोग नहीं है। दैट इज इम्पोर्टेंट। बट वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा कि एंड में वो गाने की जो मेलोडी वो गूंज रहनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ सॉन्ग ऑफ व्हाट इट थॉट है उसका। बट आई लाइक व्हाट यू डिड टुडे, यू गिव इट इन ऑनेस्टी थी, एक दिल से आपने जो बेस्ट करना था आपने किया। सो गॉड ब्लेस यू, रियली लव यू। वेल डन निर्मिती ग्रुप, आपके परिवार का प्यार आपके साथ हमेशा बना रहे। आज रंजना आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है, आइए देखते हैं। मेरा नाम राजा नडर है और मैं रंजना का पापा है। पिछले 25 साल से मैं ड्राइविंग का काम कर रही हूँ। अभी तक मैं टेलर का काम कर रही हूँ, वो सिर्फ रंजना की वजह से, मतलब उसका लाइफ में कुछ अच्छा बनो। तो हमारा ऊपर जो दिन गुजरा वो उसका ऊपर आना नहीं चाहिए। रंजना को अच्छे से इसको नॉलेज है। अपना घर पे जो पैसा का प्रॉब्लम है, अपना मम्मी का पापा का, फिर भी उसको वो अंदर मतलब मन पे रखते लेकिन बाहर बोलते नहीं है। तो हमारा पगार से हमारा घर से छोड़ के उसको जो बचत है उसको हम लोग देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। रंजना एक दिन आज नहीं तो कल सिंगर बनेगा, उसका बहुत उम्मीद था, लेकिन इतना जल्दी से जल्दी एक्सपेक्टर मंच में उतना बड़ा जगह उसको मिलेगा हम लोग सोचा नहीं था। ये हम लोग का सपना था, लेकिन सपना अभी एक्सपेक्टर मंच पे पूरा हो गया। जो भी है उसके लिए हम लोग है, वही हम लोग का लाइफ है। वो हंसेगा तो हम लोग हंसेगा, बस। एक्सपेक्टर इंडिया में विनर बन के आएगा तो बहुत मेरा लाइफ में और दूसरा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। वो विनर बन के आए तो मेरा बहुत संतोष है। कहना चाहती हूँ, प्लीज हम भी सुनना चाहते हैं आपसे कुछ। एक्चुअली बचपन में से हमेशा डैडी कहते थे कि मम्मी से कि मेरा सपना उस दिन पूरा होगा। मैं आज तक सबके लिए गाड़ी चलाता हूँ। मेरा सपना उस दिन पूरा होगा जिस दिन मैं अपनी बेटी के लिए गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा सपना उस दिन पूरा होगा पापा जिस दिन मैं आपको बिठाऊंगी और अपनी गाड़ी में लेकर जाऊंगी पापा। दिस इज माई ड्रीम। बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चे लोग को मिलना बहुत मुश्किल है। कितना बड़ा सपना था वो एक्सपेक्टर मंच पे पूरा हो गया उसका। इससे ज़्यादा खुशी से अभी बोल नहीं सकते जो भी अभी आगे बच्चे लोग करेगा।